हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बैक नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट लिया है ब्लाउज का, ये देखिए मैंने इसका अस्तर के साथ इसे ज्वाइन कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो आपको जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसे कट कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से सेंटर से फोल्ड करूँगी। सेंटर से फोल्ड करने के बाद पहले मैं इसे सेंटर पर इसे कट लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने सेंटर में कट लगा दिया है। अब मैं इसे राउंड शेप में कट करूंगी। तो इसके लिए हम पहले गले की चौड़ाई लेंगे, आपकी जितनी भी हो उतनी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.25 इंच लूँगी। अब इसकी लेंथ लूँगी मैं, तो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ लूँगी 9.5 इंच। तैयार होगी हमारी 9 इंच पे। तो मैंने 9.5 इंच लिया है, इसका बॉक्स बना लूँगी और इसे गोले का शेप दूँगी। यहाँ से मैं इसे गोले का शेप दूँगी और पहले इसे कट कर लूँगी। तो ये मैंने गोले का शेप दिया है, इसे मैं पहले कट कर लूँगी। तो देखिए इसे मैंने गोल शेप में इसे कट कर लिया है इस तरह से। तो पहले हम यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे ताकि लाइनिंग और मेन फैब्रिक हो दोनों अटैच हो जाए। तो पहले हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, सॉरी एक राउंड में सिलाई लगाएंगे। और जो हमने गोल नेक कट किया है तो पहले मैं इसे पाइपिंग लगाऊंगी। तो देखिए मैं यहाँ से पाइपिंग लगाने के लिए पहले मैं इसे इस पर रखूँगी इस तरह से और यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। तो पूरे गोल में इसे हम अटैच कर लेंगे, गोल में हम इसे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे जो हमने रेडीमेड पाइपिंग थी तो इस पर अटैच कर लिए। अब हम इसे यहाँ से थोड़ा सा नीचे की ओर से गोलाई में कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अभी पाइपिंग को हम अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम ये जो मेरे पास लेस है जो हमारी ब्लाउज पीस की जो बॉर्डर है, तो यहाँ पे हम इसे ये आर्मोल है, आर्मोल की तरफ से हम इस तरह से इसे राउंड में लगाएंगे। तो फ्रिल बना के लगाएंगे क्योंकि ये जो बॉर्डर है स्ट्रेट है, तो अगर स्ट्रेट लगाएंगे तो ये अच्छे से नहीं बटेगी। तो हम इसे थोड़ा सा फ्रिल बना बना के लगाएंगे, थोड़ा सा राउंड शेप में लगाएंगे, देखिए इस तरह से। यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्रिल बना बना के इसे अटैच कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। तो पूरे इस तरह से हाफ राउंड में लगाएंगे हम। तो देखिए यहाँ से हम आर्मोल के तरफ से, तो यहाँ से हम 3 इंच यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और इस साइड से भी हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम इसे यहाँ से जो 3 इंच का निशान लगाया तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे ताकि जो हमारी ये हमने जो 1.5 इंच 2 इंच फिटिंग में लिया है तो ये अंदर की ओर मोड़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ से 3 इंच लेंगे। अब हम इसे यहाँ से इस तरह से राउंड में सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसे राउंड शेप दे देंगे। दोनों को सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे हम और इसे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से राउंड शेप देंगे। यहाँ से हम राउंड शेप देंगे, इसी तरह दूसरे साइड को भी हम राउंड शेप देंगे। तो इसे उठा के इस तरह से देखेंगे। इस तरह से हम ये राउंड शेप लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से हमें ये यहाँ पे राउंड शेप लगाना है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है इस तरह से। पहले हम एक साइड से इसे अटैच कर लेंगे इस तरह से, यहाँ से आर्मोल की तरफ।
अब जहाँ पे हमने निशान लगाए वहाँ से इसे सिलाई लगाएंगे, और जहाँ इसका इस तरह से झोल आएगा तो वहाँ पे हम इस तरह से प्लेट डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे प्लेट डालना है ताकि हमारा राउंड शेप आए अच्छे से। ये देखिए हमने यहाँ पे प्लेट लगा के इसे ऊपर की ओर से सिलाई लगा दी। अब नीचे भी हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, तो जहाँ पे हमें प्लेट डालने की ज़रूरत है वहाँ हम प्लेट लगा देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम इसे सिलाई लगाएंगे। ये जो पाइपिंग है तो इसके नीचे हम लगाएंगे। और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे ये बॉर्डर को अटैच कर लिया यहाँ पे। अब हम ये मेरे पास लेस है तो मैं लेस को यहाँ पे अटैच कर लूँगी राउंड शेप में, इस तरह से इसे राउंड शेप में लगाऊंगी और बाद में इसके ऊपर भी लगा दूँगी। एक अभी नेक को लगा दिया हमने तो यहाँ पे इसके इस पे लगाएंगे हम। ये देखिए हमने यहाँ पे नेक डिजाइन बना दिए। अब मैं यहाँ पे मेरे पास ये फ्लावर बना हुआ है तो मैं यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लूंगी इसको, या फिर यहाँ पे सेंटर में लगा दूंगी। तो यहाँ पे लगाऊंगी मैं इसे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा नेक डिज़ाइन तैयार है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।